तो मुंह बंद कर दे, आहिस्ता बात कर, ये शरीफों का घर है। शरीफों का घर शट अप कैफे, अपना मुंह बंद कर। मेरा जब यहां से मकसद पूरा हो जाएगा चला जाऊंगा। इससे पहले कि मैं अपने गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर यहां से निकलवा दूं, दबा जा यहां से। मैं तेरी हड्डियां तोड़ टक 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 भैया नखलफ इंसान। शफिन वो क्या हुआ? बाबा जान ठीक तो है? बाबा ठीक है ईशल, ईशल किडनैप हो गई। ईशल किडनैप हो गई? कहां से कैसे? वो सब लोग मिलके गए थे। कैसे तो उसके घर पता नहीं कहां होगी, किस हाल में होगी ईशल। अल्लाह उसे अपने अमान में रखे। बाबा जान कहां है? अपने कमरे में। आपने उन्हें बताया था? मैं उन्हें बताने जा रही थी। नहीं आप प्लीज अभी उन्हें मत बताइएगा। तो फिर तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। खुद को संभाले होंगे, ईशर को कुछ नहीं होगा, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। आमीन सुभान अल्लाह। लेकिन आप ये बाबा को मत बताइएगा, आप जानते ही बाबा की कंडीशन पहले बहुत खराब। ठीक कह रहे हो तुम, शुक्र है तुम वक्त पर आ गए, नहीं तो मैं तो बाबा जान को बताने वाली थी। अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। तुम ठीक कह रहे हो शाफिन, लेकिन वो रात से लापता, दाऊद उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे बच्चे पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी। कुछ नहीं होगा उसको, आप प्लीज खुद को संभालें और कोशिश करें कि ईशल के मिलने से पहले बाबा को इस बात का ना पता चले। बस मेरी बच्ची जाओ क्यों सलामत। आमीन। बहुत बुरा हुआ है, बाबा जान कहते हैं ईशल तो पहले से ही बदगुमान है अपने लोगों से, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। कहाँ होगी वैसे, उसे क्या करना चाहिए इस मामले में? कहाँ होगी ईशल? किसने किया होगा ऐसा और क्यों? किससे बात करूं, किससे कहूं? मुझे बचा ले।
जाए। आपको मुबारक हो, आपकी नवासी आ गई है। खैर मुबारक।